यहाँ पर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए हो? जरूर हुआ है। सुखदेव जी बताते हैं कि एक बार त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। वहां पर एक हाथी आया करता था। हाथी भी कैसा, सफेद हाथी, बहुत सुंदर और शक्तिशाली, इतना कि उसकी सुगंध से शेर भी डरकर भाग जाए। उसका नाम था गजेंद्र। तो वो अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आता है, तो कभी वो सून में पानी भर के बच्चों पे फेंके तो बच्चे नाचने लग जाए, कभी पत्नी पे फेंके पत्नी शर्मा जाए। अब यही खेल पानी में हो रहा है कि उस पानी में ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। वो आके गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है। अब पैरों को पकड़ते ही गजेंद्र सोचे कि ये इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इतना शक्तिशाली। देखिए इस कथा जैसे हर कथा का एक सार है, सीख है। इस कथा में गजेंद्र यानी हम और ग्राह यानी काल। काल पहले पैरों को ही पकड़ता है, कहते हैं घुटनों में दर्द रहने लग गया है, अब सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता, मतलब काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब सुधर जाओ। पर हम कौन है? गजेंद्र, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो उसको इतना घमंड अपनी शक्ति पर, वो कहीं ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। तो गजेंद्र की शक्ति अब कम होती जा रही है और ग्राह की और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कमजोर हो रहा है वो और खींच रहा है उसे, खींचते 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 बीच मझधार में ले जाता है। अब जब वो डूबने लग रहा है तब उसे लगता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा, तो वो अपनी पत्नी को आवाज देता है कि अरे मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। पत्नी कहे, अब देखिए यहां पत्नी बच्चे क्या है, सांसारिक रिश्ते जिन पे हम भरोसा करते हैं भगवान को छोड़ के। तो वो पत्नी को आवाज लगाए कि अरे मुझे बचाओ। पत्नी कहे, बचा तो लूं पर क्या पता आपको छोड़ के वो मेरे पैर पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। और बच्चों से कहता है कि अरे तुम तो मेरी रक्षा करो, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। बच्चे कहते, चिंता मत करिए, आपका सब काम अच्छे से करेंगे, पैसे की कमी नहीं रखेंगे। अरे वो कहे, मैं जिंदा हूं अभी, आसपास कई लोग जा, कई जानवर इत्यादि जा रहे, सबको आवाज लगाता है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, कोई मदद नहीं करता। अंत में जब इतनी सी सून बाहर रह जाती है तब उसे याद आती है भगवान की। अब वो कहे, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और ये आवाज सुनते ही भगवान आते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, उस ग्राह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने साथ अपने धाम लेकर आते हैं। इस प्रकार भगवान ने एक पशु की रक्षा की, उसे अपने धाम लेकर आए।